हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ न्यू चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ एक चॉकलेट सॉस भी बनाऊंगी। अगर आप लोग सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ऐसे ही ये केक सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस केक को बनाने के लिए 2 रूम टेम्परेचर एग्स का यूज़ करेंगे। इसमें 1.5 कप चीनी का यूज़ होगा। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर लाइट हो जाए। यहाँ पर इसमें 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल का यूज कर रही हूँ एंड 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें 1 कप मिल्क यूज कर रही हूँ। इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। यहाँ पर इसमें 1/2 कप कोको पाउडर को ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से सिफ्ट करेंगे। उसके बाद इसमें 2 कप प्लस 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदे का यूज कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड 2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे ग्रेजुअली ऐड करूंगी एंड साथ में अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसे ओवर मिक्स नहीं करेंगे वरना ये केक हार्ड बन जाएगा। यहाँ पर इसके लिए 3/4 कप गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। उसके बाद इसे इस बैटर में डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। यहाँ पर इसे बेक करने के लिए 11x11 इंच ओवन प्रूफ डिश का यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो इसे किसी भी बेकिंग डिश में बना सकते हो, बट उसका साइज 11x11 होना चाहिए। अगर ना हो तो उसकी बेकिंग का टाइमिंग आप लोग चेंज कर दीजिएगा, कम या ज्यादा आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से ग्रीस करूंगी ऑयल के साथ। आप लोग चाहो तो इसे बटर के साथ भी ग्रीस कर सकते हो। उसके बाद ये केक बैटर इसमें डालेंगे, इसे टैप करेंगे। इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस में 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे या जब तक ये अच्छी तरह से बेक हो जाए। यहाँ पर इसके लिए चॉकलेट सॉस बना रही हूँ। इसमें 1/2 कप शुगर का यूज कर रही हूँ, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप कोको पाउडर एंड 1/2 कप मिल्क। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें 1/2 कप ऑयल को ऐड करूंगी, लेकिन ऑयल को ग्रेजुअली ऐड करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। यहाँ पर यह केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, इसे मैंने चेक किया। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से तांदा हो जाए, ये चॉकलेट सॉस जो मैंने बनाई थी ये इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर इसे गार्निश करने के लिए चॉप्ड वॉलनट्स का यूज करें। आप लोग किसी भी नट्स का यूज कर सकते हो।